देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जय स्तंभ के समीप निवास करने वाले अरुण लोनिया के 1.5 वर्ष की पुत्री बीते 2 दिन से लापता है, जिसकी तलाश में परिजन दर दर भटक रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक बच्ची का किसी भी तरह से सुराग नहीं लग पाया है। इस पूरी घटना को लेकर गायब हुई मासूम की माँ सरस्वती लोनिया का कहना है कि 1 मई को शाम 5 बजे वह अपनी बच्ची को छोड़कर लकड़ी लेने गई थी। वापस आकर देखा तो बच्ची घर से गायब थी। आसपास तलाश करने पर जब उसका पता नहीं चला तो देर रात तक पास में ही स्थित नदी में तलाश शुरू की गई। तकरीबन 50 की संख्या में युवकों ने नदी में दूर दूर तक तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला है। इस पूरी घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा भी छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक बच्ची लापता है। आपको बता दें कि आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें नहीं देखा जा सका है। चियांसी की मां का मानना है कि उसकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी तलाश में वह अभी भी लगी हुई है। नदी में जब जैसे सर 4:30 बजे तक बच्ची देखी गई, 4:30 बजे के बाद जैसे भी अपन मतलब थोड़ा सा कुछ समय बीतता है, जब अंधेरा होता है तो सभी को लगता है कि अपने अपने लड़के बच्चे कहाँ गए। जब इनको ढुड़ाई मची तो पता चला बच्ची नहीं है। यहाँ वहाँ 70 आदमी देखा गया और नदी का गिरने का कोई चांस भी नहीं है सर, क्योंकि नदी में ऐसा मतलब झाड़ भी एहतियातन आप लोगों ने तलाश किया था। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, रात को 2 बजे तक ढूंढे। ये है उनकी बच्ची की माँ है, ये पूरी मतलब ये रात भर 1 बजे तक थाने में गए। हम लोग पूरा ढुड़ाई ही मचा रहे थे, मतलब गिरने का नदी में कोई चांस नहीं लगता है, कोई उठा ले गया हो, क्या किया ये कुछ नहीं जानकारी पा रही है। और ये इन लोगों का कहना भी है कि पुलिस वालों को भी कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई कैमरे में देख रहे हैं कि कोई क्या कैसा है कैसा नहीं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वो सब बंद होंगे, वो सब बंद है दुकान, तो कोई भी उसका चांस नहीं है कैमरे। पुलिस ने देखने की कोशिश की, अब ये नहीं पता सर कि पुलिस वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि कल से यहाँ पे जितने भी लड़के हैं 15 साल 10 साल 18 साल ले लेके अपना जैसा भी व्यवस्था बन रहा है, यहाँ से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्यूब से बेचारे बिना खाना पीना खाए सब अपने अपना ढूंढ रहे हैं। अभी भी कोई बता रहा है कि कोई ले गया उठा के, तो उधर उधर भी घूम रहे हैं, जैसे एजी कॉलेज हो गया और अपना लखौरी बाग हो गया, एक्स बजे बहुरी बांध, ये सब तो ढुड़ाई मच रही है, लेकिन कोई भी जानकारी अपने पूरी। क्या नाम है आपका? सरस्वती सिंह लोनिया। ये आपकी बच्ची गायब हुई, कब गायब हुई, कहाँ से? 1 तारीख को 5 बजे से गायब है। कहाँ से? यहीं पास से गायब हुई है। कौन सा मोहल्ला है? ये है बांस घाट लगता है। शिकायत की है आप? शिकायत की है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल बता रही पुलिस आई थी, तलाश कर रही थी। हाँ कल तलाश करी है पुलिस, परसों थोड़ा आई है, फिर आज भी नहीं आई, ना बुलाए एक बार किया हो। बच्चे उसके साथ थे क्या जब वो गायब हुई? नहीं थे बच्चे, अकेली यहीं घूमती थी, तभी से ढूंढने लगे, नहीं पाए। पूरी नदी में भी तलाश करे, 30 लड़कों घुस के नहीं मिली। तो आप बता रही है कि 1.5 साल की बच्ची थी, तो क्या वो बोल पाती थी? बोल पापा बस बोलती थी और अम्मा हो गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। तो आपको कब पता चला कि लड़की गायब हो गई? उतनी समय आधा घंटा बाद ढूंढने लगे हैं, तो पूरी रात ढूंढे नहीं मिली। 1 बजे रात थाना से आए रिपोर्ट दर्ज करा के। क्या क्या मानती हैं आप, नदी उदी तरफ तो नहीं गई है? नहीं, नदी तरफ नहीं गई है। क्या लगता है आपको? हमको लगता है उसे कोई ले गया है।